हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। मुझे तो नहीं था कि कोई आप इस तरह का भी आज कार्यक्रम तो छोटे बच्चों का बनता है, बच्चों का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उस बहाने से परिवार के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आजकल तो जन्मदिन का पर्व भी जो है इस तरह का हो गया जैसे कोई प्यार शादी का फंक्शन है। राजा ने भी इसी तरह का कर रखा है, यही मालूम कटा हो गया जी, यही मालूम कटा हो गया। अब मैंने भी फैसला कर लिया कि हर 15 तारीख को 14 तारीख को इलाहाबाद में आऊंगा। कई साल कह रहे थे तब तक खोल दे, तब तक तो नहीं खोलूंगा, तब तक तो खोल दूंगा तो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, तब तक खोलूंगा तो किसी को बैठाना पड़ेगा, अगर बैठाऊंगा तो लोग उसके पास सारा दिन इसको टेलीफोन कर दे, इसको टेलीफोन कर दे, इसका भी है, अगर कोई टेलीफोन नहीं करेगा तो मेरे से नाराज नहीं होगा, तो उसको कहेगा हमने इसको कहा था फोन कर दे, इसने फोन नहीं किया, इसलिए नाराज हो गया, फिर किस किस को मनाता फिरूंगा, तो इसलिए ये पंगा तो नहीं देता, बिना मतलब दिया तो नहीं खड़ा करता था। मैं तो खुद ही आ जाएगा महीने में, और आने से पहले आपको मैसेज कर दूंगा कि आज किस तारीख को आपके इलाहाबाद में आऊंगा, उस दिन जो कोई लोगों की दिक्कत है, कोई समस्याएं हैं, कोई SDM के लेवल पे, कोई DC के लेवल पे, उन सब का बैठ करके समाधान कराएंगे, उस दिन सबसे बिल भी लेंगे। अब ये भी तुम बड़ा मान ही दोगे मुझे, देव की बार आप कई दिन बाद आए हो, तुम्हें शिकार में चिंता मत करो। आप लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है, इसके लिए आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और आज आपसे कुछ मुलाकात हुई, और आपके जुम्मे जो जिम्मेवारी लगाई है, उम्मीद करूंगा कि आप उस काम को जल्दी से जल्दी मुझे अवगत कराओगे, ताकि सेशन के दौरान सारी बातें अपने यहाँ निकल सकें। जवानी कराने कोई काम नहीं सकता, ये भी बता देता हूँ तुमके कि लिख के लेके आओ, नाम वाइज लिख करके दो, वार्ड वाइज लिख करके दो। अगर कोई मुझे ये कहे कि जी हमारे गांव के अंदर पक्का खाड़ बनना है, तो मुझे क्या पता है कौन सी कैनाल है, कौन सा मौका नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक का खाड़ बनना है, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। आप भी रूप में दोगे तो वो उस पर कार्रवाई कर सकता, मुझे तो पूरे प्रदेश में जाना होगा, किस किस का मुझे कोई बताएगा, किस किस का ध्यान रखूंगा, किस किस का याद रहेगा, भूल जाऊंगा तब तक हो गए हमने तेरे को कहा था खाता दुआ नहीं, तो लिख के जाओ सारी चीजें, थोड़ी तुम भी अपनी जिम्मेवारी निभानी सीखो। हमने केवल इलाहाबाद तक सीमित नहीं रहना, अब हालात बदल गए, अब ये मान के चलो लोग जो है आपको सरकार बना के देना चाहते हैं, मुझे इलाहाबाद से फुर्सत दोगे, मुझे पूरे हरियाणा में जाने के लिए इजाजत, तो मैं आपके पास तो महीने में एक चक्कर लगाऊंगा, और आप भी अपनी जिम्मेवारी कार्यकर्ता जो है और नए लोगों के साथ संपर्क लो और नए लोगों को जोड़ो। अब सब लोगों ने देख लिया अच्छी तरह से, अब की बार के चुनाव में जितना प्रयास सरकार की तरफ से हुआ आज तक कभी नहीं हुआ है, मुझे 30 साल हो गए राजनीति, हमने भी सत्ता में रहते हुए बाई इलेक्शन लिए, और बाई इलेक्शन की जिम्मेवारी देनी रही हमेशा, चाहे यमुनानगर का था, चाहे फतेहाबाद का था, चाहे कोई और बाई इलेक्शन हुआ, लेकिन जिस तरह से अब की बार सरकार में बैठे लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, जिस तरह से दहशत का माहौल बनाने का काम किया, जैसे लालच किया पैसों का,
नौकरी का, हर चीज का लालच देने का काम, उसके बावजूद भी इलाहाबाद के लोगों ने सरकार को सबक दिया, उसके लिए मैं आप सबको देता हूँ बहुत बहुत बधाई को, अच्छा सबक सिखाने का काम किया। लेकिन अब जो लोग, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग तो कुछ लोग पैसे थे जो पैसे में बिक गए, जो बिक गए उनकी हालत आज ऐसी है कि वो किसी से भी नजर नहीं मिला सकते। जब वो मिलते हैं, नजर मिलाते हैं, तो कोई ना कोई उनके कटाक्ष कर देता है, उन्हें बिका हुआ है, और फिर उसकी इतनी हिम्मती पड़ती है वो सामने से बोल के कुछ कह दे, क्योंकि उसने तो अपना ईमान बेच रखा है। किसी ने 2000 में बेच दिया, किसी ने 5 में बेच दिया, किसी ने 10 में बेच दिया, किसी ने बिजली के पोल भी पीछे बेच दिया। कुछ बिजली के पोल ले गए थे, उनके पोलों का अब तक कोई तार लगे नहीं, कोई बिजली लगी, मेरे ख्याल नहीं लगी होगी, नहीं लगी है, नहीं कहीं कुछ नहीं लगा, कोई एक आधे की लगी है। उनके ये मान के चलो कल के कोई रिश्ते भी होंगे तो लोग पूछे जानना कैसे बात होते हैं, उनके लिए वो भी दिक्कत है। लेकिन जो ठीक आदमी है, जो किसी गलतफहमी के शिकार होकर के हमारे खिलाफ बोल रहा है, वो अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको भी जोड़ने का काम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन लोगों से संपर्क करोगे, आप उनसे संपर्क करो, मेरे टेलीफोन पर बात कराओ, किसी के घर जाना पड़ेगा तो उसके घर जाकर तो उससे मिल करके क्या नाराज किए मेरे किसी से, आप मान के चलो ना, तो मेरा किसी के साथ कोई खड़का चल रहा, ना जमीन का, ना किसी से जवान का झगड़ा गया। मैंने तो आज तक किसी का नुकसान किए नहीं, गांव के अंदर मुझे किसी ने आकर के शिकायत नहीं करती कि फलाना आदमी तेरे खिलाफ ये कह रहा था, तो भी मैंने उसको इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं आज मैं रहकर ठीक हो जाएगा। तो लोग आपस में छोटे मोटे विवाद गांव के उसकी वजह से कई दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको समझाओ, बताओ, उनसे मिलो, मेरी उनसे बात कराओ, उनको भी अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब इस काम को आगे बढ़ाने का काम करोगे। 59 साल का नहीं तो मान के चलो आज भी 20 साल का साल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैं 20 साल के जवान लड़के से ज्यादा काम कर सकता हूँ, आज भी मैं पार्टी के लिए उससे ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, आज भी मुझे जो जिम्मेवारी लगती है उसको मैं 18-20 घंटे काम करके निभा सकता हूँ। मेरे लिए कोई चीज ऐसा बहुत नहीं है, मैंने बहुत कठिन दौर देखे, आप मान के चलो ऐसे हालात पैदा कर दिए थे बीजेपी वालों ने, हमारी पार्टी को जब तोड़ने का काम किया था, आम आदमी ये प्रचार करने लग गया था, कहने लग गया था कि अब तो रोजगार खत्म हो गया, दूसरे तो करते ही करते थे, हमारे वाले तो आज भी नहीं छूटते, आज भी कहते हैं बोला एक चीज नए लोग हैं, तो एक बार ये नए लोग का राज बना करके दिखाऊंगा तुम्हें हर हालत में। लेकिन उस सरकार में इलाहाबाद के लोगों की बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इलाहाबाद में हमारे से जितनी कोई नाराजगी है उनको दूर करना आपका काम है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन सबको जोड़ोगे, बाकी काम देर से छोड़ दो, ये 59 साल वाला जीवन दोबारा मत करना बहुत धन्यवाद।